कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन की स्थिति में सफाई कर्मी लगातार अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। सफाई कर्मियों को इस कार्य की सराहना करते हुए रविवार को वार्ड नंबर 38 हजारीपुर के पार्षद और नगर निगम के पूर्व उपसभापति जितेंद्र सैनी के नेतृत्व में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने हजारीपुर में सफाई कर्मियों के ऊपर फूल बरसाए और उनकी आरती उतारी तथा माल्यार्पण कर उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से सफाई कर्मियों का हौसला बढ़ेगा। वे लॉकडाउन के बीच भी लगातार जोखिम लेकर काम कर रहे हैं। नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि जिस तरह से सफाई कर्मचारी हर समय अपनी पूरी ड्यूटी निभा रहे हैं वो काबिले तारीफ है। कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में भी कर्मचारी दो पालियों में सफाई और संक्रमण मुक्त करने का काम कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में और भी कर्मचारियों का हौसला बढ़ेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्षद जितेंद्र सैनी और नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा, ये चेन वाला लड़का मधुर रही है, शाबाश, आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए आपको जितेंद्र सैनी पार्षद ले जाकर। देखिए, आज के कठिन समय में कोरोना जो महामारी अपने देश में फैला है और इस कठिन परिस्थिति में हमारे ये जो सफाई कर्मचारी हैं ये भगवान से बढ़ के हैं। हम लोग घर में रह रहे हैं, लोग बाहर रह के काम कर रहे हैं, तो इनका आदर सत्कार करना चाहिए। जिस तरह देश के हमारे प्रधानमंत्री ने कुंभ में इन्होंने सेवा किया, उनका पाँव पानी से धोए, इनका इज्जत किए, तो उनसे हमने थोड़ा सा सबक लेके इन लोगों को पुष्प से बरसा करके, तिलक लगा के, माला पहना के, इनका आरती की, जिस तरह देवता का पूजा किया जाता है, तो आज ये हमारे लिए भगवान है, क्योंकि हम लोग घर में रह रहे हैं, ये लोग बाहर रह के काम कर रहे हैं, ये बड़े आदरणीय, इससे पूजनीय काम है, देवता की तरह, इसलिए इनका आदर करना जरूरी है ताकि इनका काम करने मनोबल बढ़े। देखिए, नगर निगम की ओर से लगातार सफाई का कार्य किया जा रहा है, हमारे सफाई कर्मियों के कंधों पर ये उत्तरदायित्व है और मुझे खुशी है कि ये उत्तरदायित्व सफाई कर्मी बहुत ही अच्छे से, बहुत जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। तो अच्छे कामों की प्रशंसा होनी चाहिए और अच्छे कामों के लिए सम्मान भी होना चाहिए ताकि उनका उत्साहवर्धन हो। इस हेतु माननीय सभासद जी ने काफ़ी अच्छा कदम उठाया, इनकी पहल पे हम सब लोग यहाँ आए हैं और इनके वार्ड में जो सफाई कर्मी मेहनत से काम कर रहे हैं, सभी मेहनत से काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं उपस्थिति लगातार इनकी है। तो ये श्री सैनी जी हैं, जितेंद्र सैनी जी, इनके पहल पे हम लोग यहाँ आए हैं और इन सभी सफाई कर्मियों का उत्साहवर्धन, इनका सम्मान, इन्होंने आरती उतारी उनकी और फूल से उनका सम्मान किया गया और साथ भी ये भी इनको सचेत किया गया कि अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। दवाई भी दिया गया और एक होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, उन्होंने इनको होम्योपैथी की दवा भी दी ताकि इनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। तो मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ये है कि इनका सम्मान करके ये मैसेज जाना चाहिए लोगों के बीच में ताकि लोग इस बात को एहसास करें, इनको ये महसूस हो कि कितनी विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे सफाई कर्मी और हमारा सारा अमला लगा हुआ है। न सिर्फ ये इनका उत्साहवर्धन होगा बल्कि और लोग भी प्रेरित होंगे, और भी सफाई कर्मी प्रेरित होंगे कि मेहनत से काम करें। आवश्यकता है, हर आवश्यकता पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और कोशिश ये है कि जहाँ आवश्यकता
कि जितनी आवश्यकता की मात्रा को देखते हुए या जहाँ जितना ज़्यादा आवश्यक है वहाँ एक डेडिकेटेड टीम दे दें। जैसे कि इस समय दो चीज़ों की बहुत बड़ी आवश्यकता महसूस की जा रही है, एक तो जो हमारे क्वारंटीन सेंटर हैं उनके आसपास की सफाई, और दूसरा इन जनरल पूरे वार्ड्स के सैनिटाइजेशन का कार्य। तो इसके कार्य के लिए क्वारंटीन सेंटर्स के सैनिटाइजेशन और साफ़ सफाई के लिए डेडिकेटेड टीम तैयार की गई है। इसके अलावा प्रत्येक वार्ड में सैनिटाइजेशन काम लगातार होता रहे इसके लिए बैक रिडन मशीन है, ये पंप है, इसके डेडिकेटेड दो दो कर्मचारी लगा दिए गए हैं, इनका लगातार काम सैनिटाइजेशन करना है। नियमित सफाई अन्य कर्मचारी कर रहे हैं, साथ ही अगर वार्ड में कहीं कूड़ा एकत्रित है जो ज़्यादातर लोगों के सार्वजनिक लोगों के स्थानों पर निकलने के कारण से नहीं हो पा रहा था, तो इस समय चूँकि लॉकडाउन है, फुटफॉल कम है, लोग नहीं निकल रहे हैं, तो उस कूड़े को भी साफ़ करने की योजना बनाई गई है। हाँ बिल्कुल, सरकारी दफ्तरों में भी सैनिटाइजेशन कराया गया है। अब अधिकांश जो आवश्यक सेवाएं हैं उनको छोड़कर अधिकांश दफ्तर बंद हैं, तो वहाँ तो अभी सैनिटाइजेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो दफ्तर खुले हैं उनका सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। सर पब्लिक भी है अभी, इसके बावजूद इस कूड़ा सड़क पे भेजती है, क्या कहेंगे पब्लिक से साफ सफाई के लिए कोई निर्देश नगर निगम द्वारा? देखिए लॉकडाउन की स्थिति को अगर सकारात्मक रूप से सोचें तो कई चीज़ें ये लॉकडाउन की स्थिति हम लोगों को सिखा रही है, और साधारण जनता भी कई चीज़ें सीख रही हैं, कई चीज़ें नई आ रही हैं। आपने जो प्रश्न उठाया, आप ये इस बात को देख रहे होंगे कि साधारण दिनों में जबकि लॉकडाउन की स्थिति नहीं थी, लोग सड़कों पर निकलते थे, तब सड़कों में कूड़ा ज़्यादा आता था, आज आ रहा लेकिन बहुत कम आ रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर सकारात्मक रूप से सोचा जाए तो लोगों को ये भी समझ आ रही है इस लॉकडाउन में कि इस कूड़े को कम से कम बाहर निकालें, ताकि हमारे सफाई कर्मियों को और काम करने का, सैनिटाइजेशन करने का अवसर मिले। हमारी अपील आपके चैनल के माध्यम से यही है कि आप अपने घर में बने रहें, घर से बाहर न निकलें, और घर का जो कूड़ा है उसको बाहर निकालने के लिए एक समय नियत कर लें। वो समय ऐसा होना चाहिए कि हमारे सफाई कर्मी सुबह 7 बजे से दोपहर 2-3 बजे तक रहते हैं, इस दौरान आप कूड़ा निकालें। बेहतर ये होगा कि सुबह 7-8 बजे ही निकाल लें, ताकि हमारे सफाई कर्मी साफ करके आपके शहर को सुंदर बना सकें।